सर रिकॉर्डिंग नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट द सॉलिडिटी ऑफ ईच शॉट। चलो अब ये क्या बोलना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखो क्वेश्चन। केएसपी ऑफ टू स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। केएसपी ऑफ टू स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट निकेल हाइड्रोक्साइड एंड AgCN आर 2 × 10⁻¹⁵ एंड 6 × 10⁻¹⁷ रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। फुल स्टॉप। विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो आप यहां पर ऐसा मत करना कि केएसपी का वैल्यू देखकर सीधे कंक्लूजन निकाल लेना। आप पहले सॉल्युबिलिटी निकालो दोनों सॉल्ट का, उसके बाद जिसका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा दैट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो आप दोनों का सॉल्युबिलिटी निकालें। ऐसा तो लगता है तो सही कर रही है, तो सही कर रही है। तो सही लिखे। सर AgCN का ज्यादा होगा। AgCN का ज्यादा होगा। हाँ AgCN इज मोर सॉलिड। देखोगे AgCN के केस में सॉलिडिटी का वैल्यू ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू NiOH होल। तो ऐसे यहाँ से देख कर भी पता लग रहा है, बट आप कंक्लूजन मत निकाल लेना। जैसे अगर KSP का वैल्यू देखो इसका ज्यादा है, इस केस में आ गया बाय डिफॉल्ट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट है तो आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे तभी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ इसको बताने के, ये तो देखो क्वेश्चन सेकेंडरी थिंग है,
बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं जाकर देखा तो इसको पहले इक्विलिब्रियम में लिख नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, जैसे निकल हाइड्रोक्साइड है तो ये Ni2+ और 2OH- में ब्रेक करेगा, तो ये लिख नहीं पा रहे हैं। तो देखो ये नहीं लिख पा रहे हैं तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है। अगर मान लो कि चलो ये 9th-10th में पढ़े हैं, भूल गए, तो उसको कैसे याद करेंगे? उसका कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना। क्या तरीका है? आप लोग सब गूगल यूज करते हैं, तो गूगल पर कहीं पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा कि क्या वैलेंसी होता है। वैलेंसी, निकेल का वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या होता है। तो ये सब आपको ज्यादा देर याद नहीं करना पड़ेगा, अगर 10 मिनट भी देख लोगे ना तो ये सब चीजें आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। जैसे ये साइनाइड आयन है तो Cn-, जैसे ये सिल्वर आयन है तो Ag+, मतलब इसका वैलेंसी 1 होगा, इसका वैलेंसी 1 होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज को याद करें। देखो आप थोड़ा सा, अगर मान लो कि ये मैं पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया, बट अगर आप इसको ही लिख नहीं पा रहे हैं, इसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन आप कभी भी सही बना ही नहीं सकते हो। ये सब बेसिक चीजें हैं। तो देखो बेसिक चीजें कहाँ से आप सीखोगे, तो आपको चीजें भूल गए हैं, हाँ भूल जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको हम रिकॉल करेंगे, घर में जाएंगे, बहुत सारा नहीं तो 9th-10th का बुक भी मिलेगा जहाँ पर वैलेंसी का चार्ट मिल जाएगा, तो इसको एक बार देख लीजिए, समझे? क्योंकि ये बार बार यूज होगा। ये यहाँ पर सेम प्रॉब्लम हम जब आएंगे, कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पर भी अगर ये इसको आप ब्रेक करना नहीं जानोगे तो एन का वैल्यू निकाल नहीं पाओगे वहां पर भी। तो उससे अच्छा है कि आप इसको सीख ले, समझ गया? तो ये चीज मैं मतलब आपको होमवर्क देता हूँ, मैं अगले क्लास में आऊंगा तो मैं रेंडमली पूछूंगा, जो वैलेंसी रिलेटेड होगा ना तो मैं पूछूंगा, और आप लोग को मतलब आई होप आप लोग याद करके आओगे, ठीक? चलो तो इसको मैं बता देता हूँ कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो क्या करोगे, सिंपल है, ये निकेल हाइड्रोक्साइड है, ये निकेल आयन, इसको हम पानी में डालेंगे तो निकेल आयन प्लस 2H- में ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लो कि इसका सॉलिडिटी S है तो ये S2S, Ksp का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए कितना, 2 × 10⁻¹⁵, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4S³। यहाँ से S का वैल्यू निकालेंगे हम, S का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 × 10⁻¹⁵ अपॉन 4³ होगा। ये 2 ये बाहर निकलेगा तो 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा, और क्या ये 1 / 2³ × 10⁻¹⁵, ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना भी रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे केस में देखो, AgCN, AgCN को हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये Ag+ आयंस और ये Cn- आयंस में टूट जाएगा। अगर इसका सॉलिडिटी S है तो इसका भी S होगा, इसका भी S होगा। यहाँ पर Ksp निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज S²। यहाँ से S का वैल्यू निकालिएगा, दैट इज √ दिस, ये 7 है ना, तो इसको 8 बना लेते हैं। 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 10 तो यूज हो जाएगा, 10⁻⁸ बनाने में यूज हो जाएगा, और ये बच जाएगा मीन 6/10 मीन 0.6। मैं से ये लिख सकता हूँ, दैट वन इज 0.6 × 10⁻⁴। तो आप देख पा रहे हो कि AgCN का Ksp का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जो भी निकेल हाइड्रोक्साइड का है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे ये ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, ये कम सॉल्युबल है। सो जिसका सॉलिडिटी का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, दैट विल बी मोर सॉल्युबल। तो हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू दिस। तो लिख सकते हो यहाँ पर कंक्लूजन, AgCN इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू निकेल हाइड्रोक्साइड, समझ गए?
कोई दिक्कत है कहीं? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते। यहाँ पर एक नोट लिखो तो, नोट ये भी आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा। नोट लिखिए यहाँ पर, लिखो नोट। इफ केटायन एंड एनायन, केटायन और एनायन, केटायन और एनायन ऑफ एन सॉल्ट, इफ केटायन एंड एनायन ऑफ एन सॉल्ट अंडरगोज 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 स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देन सॉलिडिटी ऑफ सॉल्ट, सॉलिडिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, सॉलिडिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। लिख लिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ, इसको समझे अच्छी तरह से। अगर मान लो, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये अमोनिया है, अमोनिया, अगर अमोनिया के अंदर मैं AgCl डालू, क्या कर रहा हूं, अमोनिया के अंदर क्या कर रहा हूं, AgCl को डाल रहा हूं, तो क्या होगा ना, रिएक्शन क्या होगा, देखो समझो पहले। ये AgCl एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, पता है, इसको पानी में डालने पर तुरंत क्या होगा, मीन्स अमोनिया में डालने पर क्या होगा, ये अमोनियम आयन में पहले ये Ag प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा, और प्लस ना ये Ag प्लस को हमेशा इस अमोनिया की तलाश रहती है, क्योंकि ये Ag प्लस इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करकर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला। ये सब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ये क्या करेगा अमोनिया के साथ, ये टू अमोनिया के साथ कंबाइन होकर एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या ऐसा कुछ है, Ag NH3 होल 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसा बोला गया इस पॉइंट में, इस ये एज Ag प्लस केटायन ऑफ द सॉल्ट अमोनिया के साथ मिलकर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सॉलिडिटी ऑफ दिस सॉल्ट इंक्रीजेस। अगर कोई सॉल्ट किसी भी सॉल्यूशंस में एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उस केस में क्या होगा, इसका सॉलिडिटी अपने आप बढ़ जाता है, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो यही चीज ही पॉइंट में बोला गया, लिख ले इसके एग्जाम्पल में, और इसको इसका कोई ऑर्गेनिक में नाम बताएगा इस कॉम्प्लेक्स का, ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत पढ़ता होगा तो। ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना हिंट हिंट देता हूं आपको, ये बहुत फेमस रिएक्शंस भी है, अगर स्कूल्स वगैरह में पढ़ते होंगे तो वहां लेबोरेटरी में कराया जाता भी होगा। हाँ क्या, चलो इसको बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये लैब वगैरह में कराया जाता है, देखोगे इसके सरफेस पर सिल्वर सिल्वर जैसा फॉर्म हो जाएगा, चमकता है बहुत, इसलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। आप लोग लैब वगैरह किए हो, 12th क्लास में तो किए ही होगे, या ऐसे ही जाकर मस्ती करते थे वहां, 12th क्लास में आप लोग लैब की कहाँ किए होंगे, आप लोग में तो कोविड ही आ गया, कोरोना वायरस ही आ गया ना। अच्छा
ये तो 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, 11th में कहाँ है ये? ये 12th क्लास में कराया जाता है, 11th में नहीं किए होगे, 11th में ये एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। चलो तो समझ गया ये। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, लिख क्वेश्चंस। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इन, एक ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर NaCl, तीसरा ऑप्शन है 0.1 मोलर MgCl2। डी ऑप्शन है 0.1 मोलर NH3। इस तरह का अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं, मतलब ऐसा समझना है कि AgCl को हम पानी में डाल रहे हैं, एक कंटेनर है पानी में डाल दिया, AgCl को एक और कंटेनर है NaCl में डाल दिया, AgCl को एक और कंटेनर है MgCl2 में डाल दिया, AgCl को अमोनिया में डाल दिया, तो सबसे ज्यादा सॉलिडिटी किस में होगा, मतलब ऑर्डर बताना है आपको ABCD। हाँ डी में बिल्कुल सही है कि डी में सबसे ज्यादा हुआ, अभी लॉजिक बताया, देन ए देन बी देन सी। चलो हाँ ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर कॉमन आयन रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉलिडिटी डिक्रीजेस, क्वेश्चंस भी करवाया था, लिखाया भी था, याद है जब सॉलिडिटी हम पढ़ाना शुरू ही किए थे तो बताया था कि अगर कॉमन आयन है, यहाँ पर देखो ना AgCl को डालोगे तो Cl- यहाँ कॉमन आयन हो जाएगा, कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होता है सॉलिडिटी घटता है। तो देखो यहाँ पर भी कॉमन आयन है, यहाँ पर भी कॉमन आयन है, तो इस केस में ज्यादा घटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl- का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, यहाँ पर Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये MgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो MgCl2 क्या होगा, Mg2 प्लस और 2Cl- में टूट जाएगा, तो अगर ये 0.1 मोलर है तो Cl- 0.2 मोलर हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन आयन ज्यादा है, कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए इस केस में सॉलिडिटी ज्यादा होगा, यहाँ पर सॉलिडिटी कम होगा। क्या मैं बोला समझे, सबसे ज्यादा तो डी होगा ही, डी क्यों होगा अभी तुरंत लॉजिक बताया, फिर उसके बाद ए होगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर भी कॉमन आयन, यहाँ पर भी कॉमन आयन, बट यहाँ पर कॉमन आयन जो होगा ना, यहाँ पर जो Cl- का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना होगा, 0.2 मोलर, यहाँ पर जो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना होगा, 0.1 मोलर, तो ये क्या करेगा, इस केस में सॉलिडिटी ज्यादा होगा, यहाँ पर कम Cl- जो Cl- है, यहाँ पर Cl- आयन ज्यादा है, इसलिए सॉलिडिटी बहुत ज्यादा कम होगा इस केस में AgCl का। तो ए, ए के बाद कौन, ए के बाद, अच्छा बी, बी के बाद सी, लॉजिक समझ में आ गया। उसके बाद ये चैप्टर्स में और कुछ नहीं है, जितना भी चीजें था आपको बता दिया गया, हम लोग अगला चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स तो थर्मोडायनामिक्स तो अभी फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े हो ना, थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया, कौन से क्या पढ़ा रहे हैं, डेफिनेशन, तो अब डेफिनेशन वहां लिखा ही दिया तो हमको लिखाने की जरूरत तो नहीं है। अब एक ही जगह देखो, एक ही चीज है, खाली ओनली फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट अलग है, केमिस्ट्री का रेफरेंस पॉइंट अलग है और फिजिक्स का रेफरेंस पॉइंट अलग हो जाता है, और सब चीज फॉर्मूला वगैरह जो पढ़ोगे ना लगभग सेम है,
अब डेफिनेशन तो सिस्टम सराउंडिंग का चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, वही रहेगा। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम सब तो वही रहेगा ना। तो मैं पूछ लूंगा आप लोग से, आप लोग पढ़े ही हो तो मैं पूछते चलूंगा, जो नहीं आएगा मैं वो बता दूंगा। जो चीज नहीं आएगा वो चीज मैं बताऊंगा। हम इतना बड़ा नाम तो बार बार नहीं लिखा करेंगे, हम ब्रैकेट में टीडी डाल देते हैं, थर्मोडायनामिक्स। डायना, चलो तो इसमें हम पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही शुरू करते हैं। बेसिक टर्म्स इसमें सब यूज होता है, ये तो इतना पता होगा। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, एनर्जी, और डायनामिक्स का मतलब मोशन होता है। ये अगर नहीं जानते तो लिख लो, थर्मो मतलब क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी में से यहाँ पर हीट बोल देता हूँ, और ये डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो डेफिनेशन तो ये कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, सो नहीं लिखाऊंगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस तो आता ही नहीं, तो उसको अब जानकर क्या करोगे। हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसी पर डायरेक्टली बात करते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म जो इसमें यूज होता है इसको पहले समझे, क्योंकि कोई भी चीजें समझने के लिए अगर मुझे इकोनॉमिक्स का टर्म समझना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज आपको होना पड़ेगा। जैसे अगर गवर्नमेंट ये पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब टर्म सुनते हो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो ये सब टर्म सुने ही नहीं हो। चलो बहुत अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर को समझना है आपको तो इसका बेसिक नॉलेज आपको आपको आना पड़ेगा। तो बेसिक टर्म्स को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बेसिक टर्म है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम क्या होता है बताओ। अच्छा, बताओ सिस्टम क्या होता है। बोला कुछ कुछ समझ में आया, इतना इतना कॉम्प्लेक्स इंग्लिश बोल देंगे तो हम ही को समझ में नहीं आए। चलो सिस्टम क्या होता है? अभी नहीं पढ़े हो? हाँ, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशंस, जहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। जैसे ये मेरे लिए अभी सिस्टम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग एक पूरा एक सिस्टम है। तो इसको छोड़कर, इस सिस्टम को छोड़कर जो और क्या होगा उसी को हम लोग बोल देंगे सराउंडिंग, उसको बोल देते हैं। जहां पर मान लो कि अगर जहां पर खाना बन रहा है, पानी बॉयल कर रहे हो, तो क्या है वो एक सिस्टम है। उसको उसको छोड़कर, कंटेनर, बर्नर, ये सबको छोड़कर क्या हो जाएगा, सब सराउंडिंग हो जाएगा। जहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम। और उसको छोड़कर, उस सिस्टम को छोड़कर एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग हम लोग बोलते हैं। तो सिस्टम क्या होता है ये समझ गए, सिस्टम समझ गया, लिखना है। ये लिखना है या नहीं, नहीं लिखना है? चलो लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है चलो। तो सराउंडिंग क्या होता है? ये सराउंडिंग भी आप समझ गए, सिस्टम सराउंडिंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है बताओ। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, सेपरेट करता है, उसी को बाउंड्री बोलते हैं। तो बाउंड्री भी बहुत तरह का होता है, रियल होता है, इमेजिनरी होता है, रिजिड होता है, नॉन रिजिड होता है। तो ये सब समझते हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि बाउंड्री कैन बी रियल, तो ये क्या करता है, ये सेपरेट सेपरेट
सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये मैं बोल रहा हूं कि बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। जैसे इसका एग्जांपल दो, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। एग्जांपल तो कुछ होगा ना, एक ऐसा बाउंड्री बताओ जो रियल हो। आप लोग पढ़ चुके हो जस्ट रिविजन, हाँ क्या बोल रही है, इंग्लिश में बोल सकते। अच्छा तो एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो मुझे फिर अगर बंगला बोलेगी तो हमको समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहे, कोई कुछ मतलब अभी अभी तुरंत रिसेंटली हमें लगता है कि 5-6 दिन पहले ये चैप्टर्स फिजिक्स में शुरू हुआ होगा, हुआ है ना 5-6 दिन पहले ही। हाँ तो वो क्या रियल बाउंड्री होगा, तो इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जांपल बताओ। चलो देखो सबसे सिंपल एग्जांपल, देखो आप लोग कभी मैगी तो बनाए होगे, तो मैगी बनाने के लिए पहले पानी गर्म करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो देखो ये मान लो कि पानी है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अभी सिस्टम है, ये जो क्या है ये मेरा क्या है सिस्टम, और ये सब क्या है सराउंडिंग। देखो ये जो है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, ये सब बाउंड्री है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है, एक्चुअली ये मेरा भी सिस्टम है, ये सर्कल कर दिया मैं वहां पर, ये भी सिस्टम है। तो ये बाउंड्री कैसा है बताओ, जिसमें पानी गर्म कर रहे होंगे, बाउंड्री कैसा है, रियल है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। ये जो बाउंड्री देख रहे हो, ये यहां पर भी तो बाउंड्री होगा। क्या ये जो बाउंड्री होगा, ये इमेजिनरी बाउंड्री होगा। हाँ पानी का सरफेस, वो भी तो ये पूरा एक जैसे सिस्टम है, तो ये क्या, ये पूरा भी सिस्टम है। तो ये जो पानी का सरफेस होगा, तो ये भी एक बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है। कैसा बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री, समझ गए ये। तो ये बाउंड्री कैसा है, हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। इसी तरह बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। नेक्स्ट लिख सकते हैं, बाउंड्री कैन बी रिजिड तो एक रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल बताओ। इसका सिंपल है, मान लो इसी रूम में क्या एयर तो होगा ना, इस रूम में एयर होगा। ये जो बाउंड्री देख रहे हो, ये बाउंड्री कैसा है, ये बाउंड्री कैसा है, रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री मतलब क्या, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो ये रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल हो गया। जैसे जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, पिस्टन सिलेंडर वाला एग्जांपल। तो बताओ ये कैसा बाउंड्री होगा। ये जो बाउंड्री देख रहे हो कैसा होगा, नॉन रिजिड होगा, चेंज होता रहेगा ना। ये अगर मूव करेगा आगे नीचे, एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन करूं, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। पिस्टन क्या, ये वाला, ये हाँ, तो वो भी तो नॉन रिजिड है। मतलब ये बाउंड्री ही बोल रहा हूं ना, ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री पूरा देख रहे हो कैसा है,
नॉन रिजिड है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, तो मैं बोला कि बाउंड्री या तो रिजिड हो सकता है नॉन रिजिड हो सकता है। एक तो बताया कि बाउंड्री रियल हो सकता है इमेजिनरी हो सकता है, एक और नेक्स्ट है कि बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक और डायाथर्मिक, इसको लिखो। बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक और डायाथर्मिक, कैन बी एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। एडियाबेटिक का मतलब समझते हो? जहां पर हीट हीट कांस्टेंट रहता है, हीट पास नहीं करता है। डायाथर्मिक में क्या होगा? हीट कैन पास, तो ये लिख लो यहाँ पर, डायाथर्मिक में लिख लीजिए हीट कैन पास, डायाथर्मिक में लिख लीजिए हीट कैन पास, या कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें लिख लीजिए कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा बाउंड्री जहां पर हीट पास हो सके। और एडियाबेटिक का मतलब क्या? जिसमें हीट पास नहीं हो, तो लिख लो यहां पर, तो बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री का डिफरेंट टाइप्स ये बता दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम सिस्टम पर ज्यादा फोकस करेंगे। सिस्टम सिस्टम को फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम पहला है ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम क्या होगा बताओ? क्या मास और एनर्जी इंटरैक्ट, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर मास और एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है तो उस ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या, देर विल बी इंटरैक्शन ऑफ बोथ मैटर मास एंड एनर्जी हीट। तो इसको तो ये तो जानते हो, यहाँ पर दोनों चीज एनर्जी और मास का इंटरैक्शन, एनर्जी और मास का इंटरैक्शन होगा। जैसे इसका एग्जांपल एग्जांपल इसका बताओ, जैसे ये बताया था ना, पानी बॉयल कर रहे हो ओपन कंटेनर में, ओपन कंटेनर में क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मास का भी, पानी का लेवल देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, मतलब मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, कंटेनर। इसी तरह बताओ दूसरा, क्लोज सिस्टम, हाँ सिर्फ एनर्जी, यहाँ पर ओनली सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, देर विल बी इंट्रैक्शन ऑफ ओनली एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मास का इंट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है। सिस्टम सराउंडिंग के बीच ओनली एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल बताओ कुछ, हाँ यहाँ पर बोल सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, अब इसको बंद कर देंगे यहाँ पर ना, ढक्कन लगा देंगे, तो क्या होगा, एनर्जी तो आएगा
एनर्जी का तो इंटरेक्शंस होगा बट मास का इंटरेक्शंस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर। अच्छा बताओ ट्यूबलाइट, ये जो ट्यूबलाइट है वो क्या ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम? ट्यूबलाइट हो गया या बल्ब? क्लोज सिस्टम। क्यों क्लोज सिस्टम? हाँ उसके अंदर जो गैस रहता है, गैस तो फिक्स रहता है ना, उसका मोल्स तो अंदर कॉन्स्टेंट ही रहता होगा ना, ओनली एनर्जी बाहर आता है। तो जहां पर ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन हो, मास का इंटरेक्शन नहीं हो, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोला जाता है। तो तीसरा तरह का सिस्टम होता है, दैट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे बताओ? जहां पर मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बताओ। हाँ थर्मस फ्लास्क, यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स को हम सिस्टम मान लिया तो उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। उसके बाहर तो कुछ नहीं है ना, तो यूनिवर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गया? इसका एग्जांपल लिख लेना, थर्मस फ्लास्क, यूनिवर्स। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी और मैटर का देर इज नो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर मास, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये समझ गया? चलो इतना तक तो पढ़ लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखिए, ए सिस्टम डज does not exchange any heat or matter matter means mass from its surrounding. Is it a isolated system? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा? बताओ। हाँ अगर हाँ ऐसा होता तो मैं ये क्वेश्चन क्यों लिखवाता, बताओ। अच्छा केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही। चलो अच्छा, एनर्जी का मतलब क्या समझते हो? व्हाट आर द मोड्स ऑफ एनर्जी? ये तो इतना तो जानते होगे ना, मोड्स ऑफ एनर्जी दैट वन इज हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अगर यहां पर बोला गया है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, यहां पर लिखा था एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ये बोला गया ना, एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। बट यहां पर क्या बोला गया, ओनली यहां पर हीट का बोला गया कि यहां पर ओनली हीट का और मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे? नहीं। क्यों? देखो यहां पर समझने की कोशिश कर, लिखा दूंगा यहां पर, समझो पहले। एक मान लो कि कंटेनर, ये पिस्टन सिलेंडर है, चलो यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज आपने करा दिया, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यही बोला गया ना, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या है, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होगा, बंद है,
मैटर का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है। बट यहां पर क्या, अगर पिस्टन आगे पीछे होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वर्क होगा। अगर मैं पिस्टन को क्या करूं, ये बाहर से अगर अंदर आ जाए तो इसके ऊपर कुछ काम होगा, वर्क होगा। तो वर्क होगा तो क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ना, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो कहां ये आइसोलेटेड सिस्टम रहा, हाँ हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट वर्क तो हम करा सकते हैं ना, इस सिस्टम को आगे पीछे कर कर हम वर्क तो इस पर कर सकते हैं ना। अगर वर्क कर सकते हैं तो कहां ये आइसोलेटेड सिस्टम रहा, समझ गया। तो ये जो अभी आपको सिनारियो दिया गया, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर, हाँ तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर इसका रीजन लिख लेना, नो 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 एनओ नो कॉमा एज हीट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, एज हीट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, हीट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ वर्क सो दिस सिस्टम इज क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर एनर्जी का तो ट्रांसफर हो ही रहा है वर्क के फॉर्म में, और इसके अंदर मास तो फिक्स ही रहेगा, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या देखते हो, एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट मास का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये समझ गया, ये क्वेश्चन समझ गया। यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या, एनर्जी मतलब हीट और वर्क, उसके अंदर दोनों आ जाता है, एनर्जी और मास का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्या किया, मैं ओनली हीट का एक्सचेंज करवाया, हीट का एक्सचेंज नहीं करवाया, मास का भी एक्सचेंज नहीं करवाया, और ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्क का तो एक्सचेंज हो सकता है, इसके ऊपर काम तो हम कर सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोलेंगे। ये समझ गया, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, समझ गया ना। ये आगे बढ़ते हैं, चलो उसके बाद लिखिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, ये भी बताओ आप लोग। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बताओ, जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहां पर देखो, इंटेंसिव मतलब यहाँ पर फीलिंग कैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंट का फीलिंग आ रहा है, यहाँ पर ऐसे याद रखना। यहाँ पर इंडिपेंडेंट, आई से मतलब क्या, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं ना, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर मास, यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहाँ पर क्या, डिपेंड ऑन मास। ऐसे एक लाइन में अगर पूछा जाए, लेटर ऑन तो आप भूल ही जाओगे, जैसे अभी तो यहाँ पर पढ़ रहे हो डेफिनेशन तो याद है, लेटर ऑन कैसे याद रहेगा,
कि यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कुछ चीज से इंडिपेंडेंट, क्या चीज से इंडिपेंडेंट, मास से इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर एक लाइन में पहले लिख लो क्या, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट या मास। ये क्या डिपेंड ऑन मास, अमाउंट और मास। तो एग्जाम्पल भी पता होगा, एग्जाम में तो ऐसे ही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चार ऑप्शन दे देगा आपके सामने, तो कैसे बताओगे किसको इंटेंसिव। हाँ डेफिनेशन तो पता है आपको कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड ऑन मास। जैसे अगर पूछ दें कोई भी जैसे प्रॉपर्टी सिंपल सा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, मास, हाँ क्या बता, वॉल्यूम क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल मास, अच्छा मोल मास इंटेंसिव है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, अच्छा डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर 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 इंटेंसिव, प्रेशर 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 इंटेंसिव। कैसे डिफाइन कर ले रहे हो ये सब कोई तरीका होगा ना, बिल्कुल एक चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक कंटेनर को अगर मान लो, सबसे अच्छा है ना कि चलो पहले यहां पर समझने की कोशिश करो। अगर मान लो इसमें कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में कुछ रखा हुआ है इसके अंदर, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो इक्वल पार्ट पे हम डिवाइड कर दें, जैसे ऐसे समझ सकते हो ना, एक एक बकेट पानी है, पानी को हम गर्म किए हैं, उसको हम क्या कहें ना, हाफ दो बकेट, मतलब आधा पानी एक बकेट में आधा पानी किसी दूसरे बकेट में डाल दिए, पानी गर्म है। तो ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ टेम्परेचर के बारे में बताओ, टेम्परेचर क्या चेंज होगा, नहीं होगा ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं इनके दो तीन, एक पानी गर्म किया, अभी ठंडे का समय है तो पानी गर्म करते होंगे, तो पानी को हम दो तीन बकेट में डाल दिए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि पानी कम गर्म हो जाएगा, नहीं टेम्परेचर सेम रहेगा, एक चीज तो फिक्स हो गया टेम्परेचर सेम रहेगा। तो अगर हम उसको डिवाइड करने से अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो औसे औसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिव। तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर प्रेशर पी है, ये जो सिस्टम है प्रेशर पी है, वॉल्यूम बी है, टेम्परेचर टी है, मोल्स एन है ये सिस्टम का। तो देखो अगर इसको डिवाइड करने से एक चीज तो बोला कि टेम्परेचर सेम होगा, देखो मोल्स के बारे में बताओ, मोल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल्स हाफ हो जाएगा, अगर मोल्स हाफ हो गया मतलब क्या, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, अगर मास पर डिपेंड कर रहा है तो हम मोल्स हो गया मास हो गया ये सब क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट अबाउट प्रेशर, जैसे यहाँ पर एक एक कंटेनर में एक गैस रखा हुआ है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, उसके अंदर 10 मोल था, 10 मोल नाइट्रोजन था इसके अंदर, इसके अंदर 5 मोल नाइट्रोजन, इसके अंदर 5 मोल नाइट्रोजन, तो प्रेशर सेम रहेगा। यहां पर अभी जैसे बोलोगे ना कि इसमें 5 मोल और इसमें 5 मोल, तो अभी इस केस में क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर इसमें भी जो भी मान लो कि यहां पर प्रेशर डेवलप हो रहा था 10 atm लेट इट बी, तो यहां पर भी इस केस में भी 10 atm रहेगा, इस केस में भी 10 atm ही रहेगा, समझ रहे हो ये। तो प्रेशर आप ये ध्यान रखना, प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर विल रिमेन सेम,
वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आधा कर दिया ना, तो वॉल्यूम बी बाई टू हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम बी बाई टू हो जाएगा। टेम्परेचर भी हो गया, मोल्स भी हो गया, केमिस्ट्री में तो यही सबसे डील किया करते हैं हम, मोस्टली यही सब चीज से डील करते हैं ना, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, यही सब टर्म आता है। तो ये ध्यान रखना, प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसको डिवाइड करने से प्रेशर सेम रह गया, टेम्परेचर भी सेम रह गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है? इंटेंसिव क्वांटिटी है। यहाँ पर मोल्स, मास या वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा? एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रहा है। इतना चीज तो याद रह जाएगा ना, अगर अगर कोई पूछा कि कोई चीज पूछा आपसे कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो हम क्या करेंगे? उसको डिवीजन कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। डिवीजन करने से अगर उस पर फर्क पड़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां तो एक चीज तो पक्का हो गया है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको बोल रहे हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या? प्रेशर और टेम्परेचर। आईपी मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आऊंगा आऊंगा अभी धीरे, अभी अभी जैसे जैसे, मतलब देखो एग्जाम्पल में जैसे जैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कुछ लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे रटने बैठोगे फिर कल होकर इंटेंसिव एक्सटेंसिव करते रहोगे, समझ रहे हो? पहले ये पांच जो जितना बताया गया उसमें तो दिक्कत नहीं है ना, यहां पर मास लिख देता हूं। चलो चलो, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का धीरे धीरे और लिस्ट बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल ही मेनली इसमें क्या, डेफिनेशन तो समझ गया, एग्जाम्पल ही पूछा करते हैं ना, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का लिस्ट बता रहा हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक लिस्ट तो देखा, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, मास हो गया, और देखो हीट कैपेसिटी। पहले हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी। बताओ हाँ बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। जैसे मान लो कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे ये सब्सटेंस है मान लो, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलोगे। तीन टर्म आता है यहाँ पर, एक हीट कैपेसिटी, एक मोलर हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इस पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। अगर मान लो कि ये सब्सटेंस अभी 1 ग्राम है, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मान लो कि ये अभी 1 मोल है, तो 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तीन टर्म है, तो यहां पर देखो हीट कैपेसिटी, अगर मान लो कि यहां पर देखो एक ब्लॉक है, ऐसे समझो एक ब्लॉक आयरन है, ये 1 केजी का आयरन है, 1 केजी आयरन, और ये है 10 केजी आयरन, 10 केजी आयरन, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। इस 10 डिग्री, 10 केजी आयरन का भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो कहां पर यहां पर क्या बताओ, इन दोनों के लिए हीट कैपेसिटी सेम होगा? तो बोलेंगे नहीं। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सोचो, यहां पर ये 1 केजी आयरन, यहां पर 10 केजी आयरन, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो क्या इन दोनों में जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा दैट विल बी डिफरेंट? मतलब क्या ये दोनों मास पर डिपेंड कर रहा है, ये 1 केजी है, ये 10 केजी है, समझ रहे हो ये चीज? तो हम कैसे, हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, इसका हीट कैपेसिटी अलग, इन दोनों का मास अलग है ना, ये 1 केजी है, 10 केजी है, यहाँ पर हीट कैपेसिटी भी चेंज हो जा रहा है।
अगर हीट कैपेसिटी सेम रहता तो क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये समझ में आ गया हीट कैपेसिटी क्यों ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हाँ सॉरी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़े, कौन कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ मास भी जैसे ना जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि मास जैसे कोई भी सब्सटेंस का ले लो ना तो उसका कुछ मास होगा ना, इसलिए मास को भी हम लोग बोल देते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो ये याद रह जाएगा ना, यहाँ पर ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाद में लिखेंगे। ये हीट कैपेसिटी है, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि मान लो कि अभी ये इसका भी एक मोल, इसका भी एक ही मोल लोगे, एक ही मोल लोगे, इसके एक मोल को एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हीट जितना दोगे, यहां पर भी सेम हीट ही दोगे ना, समझ रहा है ये चीज, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, तो इन दोनों में अभी हम सेम हीट सप्लाई करना पड़ रहा है टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह हाँ इस पर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों का तो एक ही मोल लेंगे हम, हाँ एक ही मटेरियल भी है, बिल्कुल सही। और एक और एग्जांपल है, दैट वन इज हम लोग बोलते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब इसका भी एक ग्राम, इसका भी एक ग्राम, तो इसके एक ग्राम को एक डिग्री से बढ़ाना है तो यहाँ पर जितना हीट दोगे यहाँ पर भी सेम हीट देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम उस लिस्ट में लिखेंगे कि यहाँ पर क्या देखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिस्ट हम उसका भी लिखते जाते हैं, रुक जाओ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप यहां पर जगह थोड़ा छोड़ देना और इसको भी लिखते चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एस से डिनोट करते हैं। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, इसको क्या चीज से डिनोट करते हो, सी एम से। चलो और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख लेना, लेंथ हो गया, लेंथ, एरिया, लेंथ हो गया एरिया, जैसे मैं बोलू ना यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर आयरन ले रहे हो, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आयरन ले रहे हो, तो दोनों का जो ये क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं ये एक मास पर डिपेंड कर रहा है ना, मास पर, तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ जो हो गया, एरिया जो हो गया, दैट आर ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, और इंटरनल एनर्जी इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे हम, इंटरनल एनर्जी इसको यू और ई से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कहने का मतलब जैसे मेरा कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, आपका भी कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, मेरे अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी है तभी हम बोल पा रहे हैं, आपके अंदर भी इंटरनल एनर्जी है, मे बी मेरा इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो आपके कंपेरिजन में, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या मास पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या बोलूंगा इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह और भी ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी हो गया, इंट्रोपी हो गया, इंट्रोपी इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, एस से, इंट्रोपी, तो इंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जैसे बात करूं मैं इंथाल्पी, इंथाल्पी इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एच से। इसी तरह और लिखूं मैं गिब्स फ्री एनर्जी,
फ्री एनर्जी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये सब पर डिटेल्स, मतलब ये चैप्टर जो है ना, मेनली देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप इंटरनल एनर्जी के बारे में जान जाओगे, इंथाल्पी के बारे में जान जाओगे, सेकंड लॉ में एंट्रोपी, फिर उसके बाद और आगे पढ़ोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सब तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है। ये सब कैसे डिनोट करते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब कैसा है, ये सब आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और लिस्ट देखो, यहाँ पर फिजिक्स वाला लिख लेना, जैसे रेजिस्टेंस भी कैसा है, ये मास पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली ये मास पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इतना इतना लिस्ट तो आपको ध्यान में ही रखना है। एग्जाम में भी घुमा फिरा कर यही सब पूछा करता है। तो कैसे, थोड़ा बहुत लॉजिक भी बता दिया आपको कि इसको कैसे याद रखोगे। अब हम वहां मूव करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ पर दो मैं लिख चुका हूं, देखो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी। एक मैं पॉइंट लिखाऊंगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है ना, हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वो लिखाऊंगा नोट में। जैसे यहां पर देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। मास कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम कैसा है प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इन दोनों का रेशियो, डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। ये समझ गया, देखो ये कैसे हो रहा है, ये भी आपको अगर समझ में, डेंसिटी क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर यहां पर देखो, अगर इसका मास m बाई टू होगा, इसका भी मास m बाई टू होगा, डेंसिटी क्या होता है, जैसे यहां पर डेंसिटी अगर इसका निकाले तो मास बाय वॉल्यूम, यहां पर अगर इसका डेंसिटी निकाले तो मास कितना हो गया बताओ, m बाई टू, वॉल्यूम भी क्या हो गया, देख रहे हो डेंसिटी सेम रह रहा है। इसको डिवाइड करने से डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, जितना मास में चेंज हुआ वॉल्यूम में भी चेंज हो गया, इसलिए डेंसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमने यही ना पढ़ा, अगर इसको डिवाइड करने से अगर चेंज हो जाता है तो कैसा प्रॉपर्टी होता है, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर चेंज नहीं होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये समझा, तो ये डेंसिटी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मेनली मोलारिटी, मोलारिटी मीन्स मोल पर यूनिट वॉल्यूम। देख रहे हो मोल कैसा प्रॉपर्टी है, मोल कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इसको समझना है तो यहां से भी समझ सकते हो। देखो इसका इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या मोल क्या हो जाएगा, अगर इसका देखोगे तो एन बाई टू, वॉल्यूम भी क्या हो गया, क्या देख रहे हो, सेम ही रह गया ना। इसको काटने से, डिवाइड करने से दिस कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू रिमेन सेम, इसलिए कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, हाँ बहुत चीज है, रुको ना, पहले विस्कोसिटी लिख लेना। विस्कोसिटी फिजिक्स में ये पढ़ते होगे, विस्कोसिटी इट विल नॉट डिपेंड, हाँ केमिस्ट्री में भी है, विस्कोसिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन द मास। तो ये भी और भी लिख लेना, जैसे जो पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कैसा है, सब है, सब एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट,
हाँ और भी आ रहा हूँ, ईएमएफ हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, हाँ परमिएबिलिटी, हाँ वो भी यही आ जाएगा इसी में। देखो यहाँ पर, यहाँ ये समझो, ये सब कैसे, हमने बोला कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो कि 1 केजी, 1 केजी वाटर को आप हीट कर रहे हो, और यहाँ पर 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर वाटर को हीट कर रहे हो, और हम 10 लीटर वाटर को हीट कर रहे हैं। तो अगर हीट करोगे तो उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो 1 लीटर वाटर वाला का भी 100 डिग्री रहेगा और 10 लीटर वाला का भी 100 डिग्री रहेगा। तो क्या ये मास पर डिपेंड किया? नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। चलो और यहाँ पर आगे देखो, ईएमएफ, ये टर्म बार बार यूज होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा चैप्टर्स में ये ज्यादा यूज होता है ईएमएफ? ये पहले ये बताओ, ये ईएमएफ कौन सा चैप्टर्स में यूज होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये ध्यान रखना है वहां पर कि ईएमएफ कैसा है। ईएमएफ इलेक्ट्रो, इसको ईएमएफ कोई हम लोग यहाँ पर अभी बोल सकते हैं, ई सेल बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोला जाता है, सेल पोटेंशियल। ये कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर और लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में पढ़े होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इस बोर्ड का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इसको मैं 20 से काट दूं तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। मतलब ये मटेरियल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इतना इतना तो आपको ध्यान रखना ही है, यही सब मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं सब से बनता है। और भी लिखना है तो देखो, सरफेस टेंशन लिख लेना, फिजिक्स में ये पढ़ते हो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वो भी आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा बताओ, मोलर वॉल्यूम इज इट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? मोलर वॉल्यूम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो दो आंसर मिल रहा है, एक इंटेंसिव एक्सटेंसिव, क्या सही होगा? इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव ही होगा ना, मोलर वॉल्यूम। देखो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी टर्म के आगे मोलर लग जाता हो, स्पेसिफिक लग जाता हो, तो हमेशा क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा। चलो इसलिए नोट लिखो, नोट, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन। इफ ए एंड बी आर टू, ए एंड बी आर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देन ए अपॉन बी विल ऑलवेज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसका एग्जाम्पल तो दिया था अभी, डेंसिटी, ये कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कैसा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होगा हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और भी यहां पर एग्जांपल दिया था, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर, ये भी आ जाएगा, सेट हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला होता है सी आर टी होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये ऐसे पीएम इज इक्वल, हाँ पी इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। तो यहां पर क्या देख रहे हो, जैसे प्रेशर भी क्या है, प्रेशर यहां पर हम ये इसमें हो जाएगा इसमें, हाँ हाँ सही तो है, इसको हम लिख देंगे मोल पर यूनिट वॉल्यूम, आरटी को कांस्टेंट मान रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या इसी फॉर्म में सेट हो गया। ये आपका ये कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनका रेशियो कैसा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिख लो, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, if an extensive property is represented as per unit mass or per unit mass or mole or volume, per unit mass or moles or volume, comma, it will become an इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो, मैं समझाता हूं, जैसे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, दिस इज सिंपली द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अगर कोई भी क्वांटिटी, जैसे आपको पता होगा हीट कैपेसिटी एक कैसा क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास हो, पर यूनिट वॉल्यूम हो, या पर यूनिट मोल्स हो, तो कैसा क्वांटिटीज बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर ये देखा जाए तो ये कैसा क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यही लिखा गया ना, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे और देखो, यहां पर एक को लेता हूं मोलर हीट कैपेसिटी मीन्स क्या, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। तो ये भी ये देखोगे तो ये कैसा क्वांटिटीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मोल लिख दिए तो ये कैसा प्रॉपर्टी बन गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। ये भी कैसा क्वांटिटीज है, जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसा क्वांटिटीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसा क्वांटिटीज होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। यही चीज लिखा गया ना, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल्स, पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाता है, देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे यहां पर बोलो मोलर वॉल्यूम,
ये कैसा क्वांटिटीज होगा, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मोल मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है तो ये कैसा, देखो ऐसे देखा जाए तो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर पर यूनिट मोल आपने बोल दिया तो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट और क्या बचा, मोल, तो क्या होगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब ऐड कर सकते हैं। ये जरूरत कहाँ पड़ेगा, ये जरूरत आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करना अलाउड है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर। चलो तो ये सब नोट हो गया, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग लिखिए स्टेट वेरिएबल। क्या एफ फोर्स, ये क्या एफ ओ आर सी, क्या पूछ रहे थे? अच्छा फोर्स कैसा है बताओ, फोर्स कैसा क्वांटिटी है बताओ आप लोग। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कैसा क्वांटिटीज है, फोर्स फोर्स जैसे फोर्स एक्सटेंसिव होगा। हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये पूछ रहा है कि फोर्स कैसा क्वांटिटीज होगा, तो फोर्स, ये प्रेशर कैसा क्वांटिटीज है बताओ, इंटेंसिव है। एरिया कैसा है, एक्सटेंसिव है, तो ये कैसा क्वांटिटीज हो जाएगा, ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगा। दोनों में से एक भी एक्सटेंसिव हो गया ना तो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज बन जाता है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे तो ये फिजिक्स में बताया गया होगा, फिजिक्स में नहीं बताया गया, चलो केमिस्ट्री में सीख लिया है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है फोर्स। और कुछ, और कुछ कहें, एक पूछ रहा था पीएच, पीएच कैसा क्वांटिटी है, पीएच इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, ये ध्यान रखना पीएच एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लिख लेना उसमें, इंक्लूड कर लेना पीएच को भी। चलो तो हमें लगता है कि इतना जो लिस्ट लिखा दिया है ना, इतना अगर याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद स्टेट वेरिएबल लिखो, यहां तक और कोई तो दिक्कत नहीं है, स्टेट वेरिएबल्स फिजिक्स में कहां तक कवर हो गया है, फिजिक्स में क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट लॉ हो गया, और कहां लास्ट टॉपिक क्या, कहां तक कवर हुआ है, गामा मिक्सचर निकालना सीख रहे हो,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता होगा। ये कैसे रोटेशनल और क्या क्या होता है ये सब, मतलब कोई मोनो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पोली एटॉमिक, ये सब का आप सीपी सीवी वैल्यू निकालना जानते हो। पोली एटॉमिक का सीवी वैल्यू बताओ, सीवी सीवी भी समझते हो ना, सी और बी क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही, सीवी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो सीवी का वैल्यू बताओ पोली एटॉमिक के लिए। नहीं नहीं फिक्स होता है, पोली एटॉमिक के लिए फिक्स होता है। सीवी का वैल्यू 3R होता है, और सीपी का वैल्यू उसमें और एक आर जोड़ दो 4R होता है, और इसका गामा का वैल्यू, गामा का वैल्यू अब इतना बता दिया तो गामा का वैल्यू तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4/3, आर तो कैंसल हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे पढ़े हो इसलिए पूछा मैं। मोनोएटॉमिक के लिए सीपी सीबी का वैल्यू मोनोएटॉमिक, हाँ 3/2R, एक फॉर्मूला होता है ना यहाँ पर डिग्री ऑफ, नहीं नहीं एक फॉर्मूला, जैसे अगर मोनोएटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका, एक ट्रांसलेशनल होता है, एक रोटेशनल होता है, एक वाइब्रेशनल होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इट बिकम एक्टिव एट हायर टेम्परेचर ओनली, उसको तो इसलिए काउंट करते ही नहीं हम लोग। तो मैं ये पूछ रहा है कि इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा मोनोएटॉमिक के लिए, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब के लिए कितना होगा। हाँ इसका रोटेशनल नहीं होता है, ओनली ट्रांसलेशनल होता है। इसका मतलब मोनोएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू ओनली 3 होता है, और 3 होता है तो सीवी सीवी हम लोग निकाल लेंगे, सीवी या सीपी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है ना क्या, कौन एफ बाई टू आर। एफ आर बाई टू, चलो तो उससे हम लोग सीबी सीपी या सीबी निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर डायटोमिक के लिए बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, इसमें रोटेशनल 2 आ जाता है, रोटेशनल 2 आ जाता है, और ये 3 तो ट्रांसलेशनल तो फिक्स ही है, और 3+2 5 हो जाता है। इसी तरह पोली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, डायटोमिक के लिए कितना होता है, हाँ ट्राइटोमिक के लिए कितना होता है बताओ, हाँ ट्राइटोमिक के लिए 6 होता है, और पोलीएटॉमिक के लिए भी 6 होता है, ये ध्यान रखना है। जो ट्राइटोमिक का होगा ना वही पोलीएटॉमिक का होगा। ये सब फिजिक्स में मतलब डिटेल, मैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम भी नहीं लूंगा, मुझे मुझे सीपी और सीवी वैल्यू से ध्यान रखना है आपको, सीपी और सीवी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये फिजिक्स में डिटेल्स बताया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह ये सब कैसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही काम होता है कि हम सीपी और सीवी वैल्यू को कैलकुलेट, मतलब ध्यान रखे, एटलीस्ट मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पोलीएटॉमिक या ट्राइटॉमिक का ध्यान रखे, इतना ही। तो ये सब पता है, तो ये सब पता ही है तो अच्छी बात है, इसलिए मैं पूछ रहा था। चलो तो अगले क्लास में मैं स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल क्या होता है उसको समझना है, फिर स्टेट, फिर दो तरह का, एक स्टेट फंक्शंस क्या होता है, पाथ फंक्शंस क्या होता है, ये सब डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे इसमें उसके बाद क्या है देखो, ये हीट कैपेसिटी एक बार, एक एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। हीट कैपेसिटी ऐसे मैं बता चुका हूँ, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी आज ही ना डिस्कस करवाया, और फिजिक्स में भी ये सब लिखाया गया होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे। Thank you, sir.